13 की एप्लीकेशन अलाउ हो गई प्लीज मैम, दीवार डाइवोर्स हो गया जी, अब बताइए क्या करना है। तो आ गया, हाँ हाँ बताओ। देखो ये बताओ तुम कि पत्नी तुम्हारी है, बच्चा तो है, बच्चा है, बच्चा है, बिटिया है, एक बिटिया 15 साल की है, कल उसकी शादी करना है। अगर वो लड़की बेचारी परेशान होगी तो तुमको कष्ट तो होगा ही, क्योंकि बेटी तुम्हारी ही है, पत्नी से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि पत्नी दूसरे की बेटी है, लेकिन ये बेटी तो तुम्हारी ही है, तो इसकी कल शादी वादी तुम्हें करना है। तो वन टाइम एलिमनी दे दो उसको और उसकी माँ को, क्योंकि अब तुमने दूसरी शादी कर ली, नहीं की इसमें रीमैरिज किसी ने नहीं की दोनों, तो अब फिर भी रीमैरिज नहीं की, लेकिन संबंध तो उसको धरने लायक है नहीं कि सुधार सकते हैं, रहना अलग अलग है। तो वन टाइम दे दो उसके और सब करो, 15 साल की लड़की है, मंथली छोड़ी है, शादी से मंथली थोड़ी होती है, मंथली से शादी थोड़ी होती है, वो तो लगेगा ही, शादी उसकी करना है, दे दो उसको पैसा और पत्नी को भी दे दो एक बार में, फुर्सत हो जान छुड़ाओ, बताओ कितना पैसा दोगे जी। तो मोहल्ले वाले देंगे क्या तुम्हारी लड़की की शादी के लिए, फिर देना तुम ही, कोई अपना घर मकान बेच के दो भाई, कौन करेगा लड़की की शादी, तो तुम ही करोगे, क्योंकि चंदा जोड़ के होती है क्या, किस जात से बिलोंग करते हो, गुप्ता हो, बताओ ऐसा भी नहीं है। अरे नौकरी तो सब कोई करता है, हम भी नौकरी ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन लड़की की शादी करेंगे ना करेंगे, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, अरे तो प्राइवेट नौकरी में तो बहुत सी है, 1.5 करोड़ रुपए का भी पैकेज है लोगों का, स्टोर मैनेजर की नौकरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स। खैर ये तुम जानो, तुम ये बताओ कि लड़की को कितना दे रहे हो और पत्नी को कितना दे रहे हो जी, हम डिसाइड करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, इसलिए तुम ही डिसाइड कर लो भाई, हम तो अपने हिसाब से डिसाइड कर देंगे, तुम लोगों के हिसाब से डिसाइड हो जाए तो ठीक है, 6-7 लाख में लड़की की शादी हो जाएगी, उस लड़की के लिए, लड़की के लिए कैसे करते रहोगे, लड़की के लिए कौन, तुम्हारे पास तो अभी तक ये बताओ, अभी तक तुमको ये पता नहीं है कि लड़की क्या पहन रही, क्या खा रही, किस स्कूल, बात होती है 2500 रुपए में, तुमने 2500 कोई बात नहीं, बाकी देखो खाना तो रोज लगता है, चाहे तुम दो चना दो, बिजली का बिल देने ही देना है आज लेडी को, हाँ बताओ। परिस्थिति नहीं, मकान बेच देना, लड़की की शादी के लिए तो लोग खुद बिक जाते, कभी सुना है कि नहीं कि लड़की की शादी के लिए तो माँ बाप खुद बिक जाते, पहले तुम्हारे बोलने से क्या होता है, वो कहाँ पढ़ रही कहाँ नहीं पढ़ रही, तुमने कुछ किया नहीं। अच्छा और जो भी लड़की के लिए मिलेगा वो लड़की के ही अकाउंट में जमा होगा, उस पर माँ का कोई राइट नहीं होता, वो तो जब 1-7 साल के लिए उसकी फिक्स हो जाएगा पैसा, और 7 साल बाद जब वो लड़की की मैरिज हो जाएगी तो माँ उसको निकालेगी, लड़की की ही हमेशा प्रॉपर्टी रहेगी, तो फिर पत्नी के लिए तुम ही करोगे, कोई पड़ोस का आदमी उसके लिए करेगा क्या, बताओ। देखो मन से कर रहे हो कि बेमन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, अब हम फिर बांध देते हैं, फिर कंटिन्यू दीजिए, 10 लाख रुपए लड़की के अकाउंट में जमा करिए, 15 लाख रुपए पत्नी को आजीवन दीजिए, आजीवन के लिए एक वन टाइम दे दीजिए, शादी का दे काहे को शादी की, फिर शादी की है तो शादी में दहेज तो मांगा ही होगा, बिना दहेज के तो शादी की नहीं तुमने, और फिर उस समय लड़की जब माँ तुमने मांगा होगा तो उसका बाप भी ऐसी रोया होगा कि मैं कहाँ से शादी करूंगा लड़की की, कोई बात नहीं, आपको इस अमाउंट पर कुछ कहना है कि फिक्स करें, घर मकान बेच देना, नहीं तो हम बेच देंगे तुम्हारा मकान, और क्या कर सकते, अभी तो इसके बाद इनको तैयार करना पड़ेगा, ये तैयार है कि नहीं है बताइए आप। सर मेरे पास कुछ है, मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा वो तो रहने की इच्छुक थी, लेकिन 6 महीने का अब रहने का तो क्या, नहीं आप बताओ रहे कैसे सकेगी, ये रखेंगे नहीं उस, बिल्कुल कुछ आप भी कमाओ, कुछ ये भी कमा,
तो उनकी एजुकेशन भी 10th है सर, वो ग्रेजुएशन बता दिया था मैं जल्दी से बता, कोई बात। अरे अब देखो ऐसा है ना, अब लड़की अगर ग्रेजुएट भी होती तब और काम नहीं करती। देखो देश की विडंबना ये है कि जो लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो या तो सरकारी कर्मचारी का वेट करते हैं, सरकारी कर्मचारी होने का, मजदूरी नहीं करते। अगर 8 पास है तो मजदूरी भी कर लेगा, और यदि LLB कर लिया उसने तो फिर वो वकालत ही करेगा, चाहे उसको जितना कम पैसा मिले। बताइए कोई वकील मजदूरी तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो पढ़ लिख गया, वो वकालत करेगा। हो सकता कुछ दिन उसको मजदूर के बराबर भी तनख्वाह ना मिले, क्योंकि सीनियर तो देगा नहीं, आप 1-7 लाख जाएगा, 500 रुपये ना दोगे जूनियर, ये दोगे बता, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, सीनियर देता है थोड़ा बहुत, कोई दे देता होगा तो देगा, नहीं तो पैसा देगा नहीं। हाँ जल्दी बताओ, यस करो या नो करो। नहीं नहीं 10 लाख में कुछ नहीं होता, लड़की की शादी नहीं होती है। हाँ वकील साहब बताओ क्या कहना है, कुछ कहना है? आपको जो कुछ फाइल करना हो कर देते, जो ऑर्डर हुआ था सर उसकी कंपेयर वो भी 4.5 लाख के करीब हो गया। हाँ हाँ हो गया है, लेकिन ये देंगे कहाँ, ये तो बिना डंडा चलाए दे कहाँ रहे सर। 18 से अपील चल रही है, डिसाइड होने का नाम नहीं ले रही है, 1 अंडर रिजिस्ट्रेशन से कोई भी बढ़वा लेके बढ़ तो रही है। ये फैमिली की अपील 18 दिन में ख़त्म होना चाहिए इसको, 5 साल से चल रही है, तो जबकि 5 हफ्ते का केस नहीं। कोई बात नहीं, किसी ने सही यार जजमेंट होना चाहिए, और जजमेंट वही होना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा लगे दोनों पक्षों को। बस कर देना डॉक्यूमेंट, देखो हम डेट नहीं देंगे, आप आज जो चाहो बहस करना हो चाहो कर दो, अदरवाइज ऑर्डर उस पर बता दो, कुछ कंसीडर कर सकते हैं। जो 15 लाख बोला है हम जज साहब बैठेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अल्टीमेटली परमानेंट एलिमनी तो आपको कोई बचा ही नहीं पा रहा। अभी हमने एक, मैं सुनो, वो बिल्कुल गरीब आदमी था, कहता था कि मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी उसमें 10 लाख किया गया है परमानेंट एलिमनी। और आप तो कम से कम दुकानदार हो, मैनेजर हो, बनिया हो, प्रॉपर्टी वाले हो। यही तो मैं आपने दे दिया, अठारह से मुकदमा चल रहा है, 23 में हम आपको। हाँ यस बता दीजिए। टाइम की बात ना करें, और कुछ बताना हो तो अभी हम कर देते हैं। Prayer for seeking time. You file some papers से dismission. इसे ignore. चलिए और कुछ कहना? Some papers में कोई बात नहीं, अब सब ignore कर दी और आगे बताइए। चलिए अगर बहस पे कुछ बताना हो तो। Section 25 of the Hindu Marriage. Yes. It says any court exercising jurisdiction under this act may at any time of passing any decree or at any time subsequent thereto on application made to it for the purpose by either the wife or the husband. आपका कहना है कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? नहीं, चलिए ना, इन्होंने मेरे एसेट्स के बारे में कोई डिक्लेरेशन दिया है कि मैं इतना कमाता हूँ या मेरी इतनी प्रॉपर्टीज है या जो भी है, और आई एम रेडी टू गिव दोस डिक्लेरेशन फॉर एन एफिडेविट बिफोर। मतलब लगता है जैसे आप कोई ऑर्डर कोर्ट करें तो जैसे आपके व्यक्तिगत खिलाफ जा रहा हो, ऐसे एग्रेसिव होते हो आप लोग। फिर आई एम जस्ट सेइंग दैट द ऑर्डर विल बी पास,
देखो ना कोर्ट का कोई व्यक्ति इंटरेस्ट है ना कोर्ट इनको जानती है इनको जानती है। ये आप मत सोचना कि लड़की मेरी रिश्तेदार कहीं से लगती है, ये मत सोचना। पैसा लड़की को ही मिलना है, वो भी आपकी ही लड़की आपकी ही पत्नी। तो इस प्रकार का कोई बिहेव मत करो कि जिसमें कोर्ट को ये लगे कि नहीं नहीं वो तो व्यक्तिगत हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। अरे ऑर्डर ऑर्डर होते हैं रोज। देखो आपको रोज वकालत करना है, कभी पक्ष में ऑर्डर होते हैं कभी विपक्ष में ऑर्डर होते हैं। और अगर तो असिस्ट असिस्ट रहो तो अब असिस्ट का मतलब असिस्ट का मतलब ये क्यों सोच रहे हो कि भिड़ने के मूड में हो कि नहीं सब मेरा अगले साल लिख लो ये लिख लो वो लिख लो। अरे कोर्ट में है, कोर्ट में माय कमीशन आर ओनली टू द एस्पेक्ट इस मैटर। हां यस, तो अब टाइम दे दो। कोर्ट ने एक मन बनाया, आपने टाइम दे, 18 से चल रहा है मुकदमा, 18 से आप सुनिए, 18 से आपको कोई चिंता नहीं रही कि हमको परमानेंटली मनी भी देना पड़ेगी तो आपको दे देते जो आप राइट में दे रहे हैं। उसमें ऑफर भी किया तो फिर हाँ दे रिफ्यूज क्या। आप किसी आदमी लेडी को कहोगे 4 लाख रुपए ले लो वो कैसे तैयार हो जाएगी। आप अगर ऐसा देते कंसिडरेबल अमाउंट तब समझ में आता था ये अल्टीमेटली हम तो कंप्रोमाइज ही करा रहे हैं। अब आप लोग कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं तो कोर्ट अपना मन बना लेती है। जब आप लोग तय नहीं करते हो तो कैसे चलेगा भाई। या तो आप तय कर लो, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप तय कर लो दोनों लोग सहमत हो जाए, वरना तो कोर्ट को लगता है कि यार कम से कम इतना हो जाए लेडी के लिए लड़के के लिए कि लड़की रोड पे ना आए। तो लड़की आप बताइए कि 10 लाख रुपए लड़की को फिक्स कर रहे हैं तो ये तो आदमी जन्म से ही लड़की के आईडी एफडी बना के शुरू कर देता है। मान लो उनका तलाक ना होता तो ये लड़की को क्या करते। लड़की को किसी जैसे ये हैं किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं करते लड़की की, अपने स्टेटस से करता है हर आदमी शादी और उसमें एक प्लान करता है। कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए। ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है कह तो रहे तो यही तो है आजकल 25 लाख में एक गेम। अच्छा तो एक बताओ लड़की अरे हाँ तो अब तो अगर 20 लाख का मांगे थे शुरू में कब अरे के समय लग मालूम बताओ तुम बताओ कितने पहले मांगे थे। 2011 में अगर 20 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे तो वो भाई साहब आज रकम 40 लाख हो गई है। आज रकम 40 लाख हो गई है और वो 2011 में नहीं दिया तुमने, 2024 में देने जा रहे हो तो 13 साल बाद 20 लाख के 50 लाख हो जाते हैं। इसमें तो हमने जस्ट तुम्हें आधी कर दी, आधा कर दिया है और अभी और बढ़ाओगे तो फिर कहो बढ़ जाएगा। और पत्नी को कौन खिलाएगा, पत्नी कहाँ से जाएगी। बच्ची के लिए तो मैं कर दिया, पत्नी को कौन देगा ये बताओ। तो दे रहा था तो दो पत्नी को। परमानेंट एलिमनी का मतलब है कि एक बार नहीं पड़ जाओ, अदरवाइज जीवन भर तुमको मेंटेनेंस के लिए लड़ती रहेगी, जीवन भर लड़ोगे तुम, क्योंकि डाइवोर्स लेडी भी इंटाइटल है अपनी जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती। और वो रीमैरिज भी कर लेगी और तुम्हें बताएगी नहीं, हो तुम्हारे ही सिर पे डंडे चलाएगी मेंटेनेंस के लिए। तो 10 लाख रुपए में 15 लाख रुपए में हम तुमको एक बार निपटाए देते हैं ना। अब अगर तुमको ये लगता है कि सब 15 लाख ज्यादा हो रहे तो थोड़ा सा उसमें बताओ फिर देखें। अब तुम उस पे ना जाके उलझने के मूड में हो तो इसलिए परमानेंट एलिमनी पे बता दो। हाँ बताओ भाई, हम तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका निकाला है कि परमानेंट एलिमनी पे हो जाए तो ठीक है, वरना तो हम ऑर्डर कर ही देंगे। और ऑर्डर करने के बाद 25 लाख रुपए तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, 25 लाख भी खर्चा कर दोगे और कम करा के नहीं ला पाओगे। और मान लो 25 लाख तुमने खर्च करा के 2 लाख कम करा लिए तो कौन सी बहादुरी कर दी, ये भी हमको एक देखना पड़ता है। यहाँ तो चूंकि तुम्हें वकील मिल गया ग्वालियर में और यहाँ की हमें बताया गया है कि वकील साहबान की फीस बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कि हमको बताया गया है। अरे हाँ, एक कल एक सज्जन बता रहे थे तो हमने कहा इतनी कम फीस में यहाँ के एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कोई है ही नहीं है। हमने कहा इससे आते यार बहुत दूसरी जगह है, लखनऊ में एक वकील साहब हैं एलपी मिश्रा, उनको वकील करने के लिए लोगों को सिफारिश लगाना पड़ता है।
मतलब लोगों से कहलवाना पड़ता है कि अरे साहब इनका मुकदमा ले लो, तो ऐसे की तो कोई बात ही नहीं। वो 5.5 लाख रुपए लेते हैं पर अपीयरेंस, पर अपीयरेंस। तुम्हारे मुकदमे कुछ हो ना हो, अगर कोर्ट में चले गए तो 5.5 लाख गए, पहले जमा करो उसके बाद दूसरे बताओ। और पहले एक दिन पहले जमा उससे बात लगाना पड़ती है। तो हमने कहा यहाँ 5.5 लाख तो हमें लगता है 4 वकील को मिलकर रुकना देंगे, देते हैं। यहाँ तो फीस बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए वकील फीस लेता है, और कोई छोटा वकील भी करोगे तो 5-5.5 लाख लगेंगे। तो इसलिए पत्नी को दे दो, वकीलों के चक्कर में पड़ोगे तो घर मकान बिक जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और रिलीफ कितनी मिले कितनी। यहाँ तो वकील साहब को तुमने फीस कम दी होगी, आप तो इसलिए तो लड़ रहे हो। अगर कोई वकील ऐसा मिलता जो कहता 5 लाख, आप बताओ इतना इतना अच्छा तुम्हें वकील मिल गया। आप कम से कम पत्नी तो ऐसी नहीं मिली जो तुम्हें फीस ना ले तो तुमसे, फीस तो पत्नी ले रही है तुम्हारी। चलिए कोई बात नहीं, अभी बताओ कि अमाउंट तुम बताओगे कि हम बता दें। बारह लाख नहीं, ऐसा कर लेते हैं जज साहब इनको कि अभी ये बहुत गहराई है, तो 10 लाख रुपए लड़की को कर देते हैं और 10 ही लाख रुपए पत्नी को कर देते हैं। ठीक है, ठीक। 5 लाख तुम्हारे वकील साहब के वजह से कम गए, अदरवाइज तुमको 15 ही लगते वकील साहब, क्योंकि तुमने कह दिया कि वकील साहब हमसे फीस नहीं लेते हैं, तो हमें लगा कि बहुत सज्जन है तुम्हें कि फीस नहीं लेते। वो खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं खत्म का मतलब जो पेंडिंग है वो तो आपको देना पड़ेगा। ये बस 5 लाख रुपए ये तुम्हारे लग जाएंगे, बाकी इतना कम्प्रोमाइज कर लेना यार। छोड़ दे, जब जब ये 10 लाख रुपए मिलते रहे एक साल, छोड़ दो जो बचा था उसका आधा आधा कर देते सर। जो अब ये तुम लोग सुनो यार, हालांकि हम आपको बताएं जो आप ये कह रहे हैं ना, ये हम सब पहले से जानते थे कि तुमको यही बार्गेन करना है, इसलिए देखो पहले से 10 लिखे हैं बिना कलम चलाए, कटिंग नहीं की। जानते थे कि अभी बार्गेन करेंगे, देखो देखा 10 लाख ही लिखे हमने। अभी कोई कठिन होता है वो कभी रोता है, वो कहता है ठीक है हो गया। वकील साहब हम भी वकालत करते थे तो हमें भी लगता था कि अगर हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर हो रहा हो तो हमको बड़ा कष्ट होता था। फिर ये सीनियर समझाते थे तुमसे क्या मतलब, अभी एक मजदूर लेवल का आदमी था ये तो बहुत है, तो लड़की को अभी 10 लाख जज साहब ने ही किए और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए धीरे से डिस्कशन किया, तो उससे कम तो नहीं हो पाएगा। और 10 लड़की को लड़की तो अच्छा है निपटिए, अदरवाइज तो फिर दिक्कत आएगी। क्या कह रहे हैं कितना 2 महीने दे देते हैं इनको भाई, पैसा आदमी 20 लाख रुपया कहीं से इकट्ठा करके कोई जेब में थोड़ी रखता रहता है। ठीक है जैसा वो 1.5 महीने मांग रहे हैं, अपन 2 महीने दे रहे हैं इनको और पूरा सेटलमेंट हो गया, फिर और कोई कुछ और कोई तो नहीं रह जाएगा, कंटेंप्ट वगैरह सब पड़ गए। अरे वो सब सेक्शन 9 का कोई मतलब नहीं होता है, जब तलाक वन टाइम हो गया और तलाक में आप जीत गए। देखो सेक्शन 9 कम होता है जब तलाक ना, जब वो पत्नी रह जाए, पत्नी होगी तभी तो आप जो है उसको रखोगे, जब पत्नी ही नहीं रह जाएगी तो कहाँ सेक्शन 9 लागू। एक स्टेटमेंट दोनों पार्टी की तरफ से मैंने अगर कहा जाए कि बोथ पार्टीज विल विथड्रॉ देयर लिटिगेशन रिस्पेक्टिव लिटिगेशन, वो लिख देंगे दोनों काउंसिल ने ये कहा ठीक और कंसेंट।